हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, राइट? प्रोक्रेस्टिनेशन अपना जिंदगी को कैसे खत्म कर देते हैं, इसके बारे में मैंने इसके ऊपर 100-150 वीडियो आर्टिकल सब पढ़ा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिंदगी को खत्म कर डालता है ये प्रोक्रेस्टिनेशन। होता क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि जो भी काम हम करने चाहते हैं बोलते हैं कल करता हूँ, परसों करता हूँ, यू नो, आज नहीं, बाद में, मंडे, संडे के बाद, ये जो हम लोग टालते रहते हैं इसकी वजह से हमारा जिंदगी खत्म हो जाता है, राइट? तो ये जो टालने से क्या क्या तकलीफें होती हैं, हमें, हम हमारा जिंदगी कैसे बर्बाद करते हैं, वैसा 8 तरीका है, मतलब 8 तरीके से हमारा जिंदगी खत्म हो जाता है, वो मैं पॉइंट 1-1 बताता हूँ, ठीक है? 8 में से पहला पॉइंट है वैल्यूबल टाइम। जो एक समय होता है हमारा बहुत वैल्यूबल टाइम होता है, जैसे आपने सुबह मॉर्निंग नाश्ता वगैरह किया, यू नो, बहुत फ्रेश एनर्जेटिक हो और आपके पास टाइम है, एनर्जी है, सब कुछ है, लेकिन आप कल करने से वो जो एनर्जी है वो आप खो डालते हैं, राइट? वो खो देते हैं, या फिर कहीं पे भी मौका मिलता है, यू नो, जो भी वैल्यूबल टाइम है आपका लॉस हो जाता है, तो वो एक लॉस हो जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन से वजह से, राइट? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में जाते हैं, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज होती है, राइट, कहीं पे एक मौका होता है, उस समय कोई आए होते हैं उनको आप मिल सकते हो, या हजार लोगों के सामने एक स्पीच आप दे सकते हो, आप बात कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हो सकता है जो आप मिस कर देते हैं, राइट? जो अपॉर्चुनिटी मिस करने से आपका जो ग्रोथ है, आपकी जो लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, वो चीज रुक जाता है, राइट? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 हम लोग देखते हैं, जब हम लोग हर चीज को बोलते हैं ना, कल करते हैं, परसों करते हैं, यू नो, वैल्यूबल टाइम नहीं देते, ऐसे करते 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 है ना, हमारा जो कैपेसिटी अंदर कोई भी टारगेट अचीव करने का जो कैपेसिटी होता है वो चलते 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 खत्म हो जाता है, क्योंकि अपना जो टैलेंट होता है, यू नो, जो करके दिखाने का जो कैपेसिटी होता है ना, किसी को ऐसा चुटकी देने का काम होता है, ये सब चीज़ हमारे से निकल जाता है, क्योंकि आप करते 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 खत्म हो गया आप, मतलब ये सब को आप करने पाते हैं, ओके? एक हो गया। पॉइंट नंबर 4, ये आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो करियर है, या आप जो धंधा करते हो, आप जो काम करते हो, इसको खत्म कर डालता है, क्योंकि आप अपना धंधे पे लात मार रहे हो, यानी कि आप जो काम कर रहे हो, आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो करियर है, यू नो, एग्जाम्स आ रहा है, बोलता हाँ कल पढ़ना है, और 3 महीना है, और 2 महीना है, करते 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 खत्म, एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, या फेल हो सकते हो, राइट? या फिर कस्टमर को कुछ अच्छा सर्विस देना है, नहीं पल करते हैं, परसों करते हैं, जो प्रिपरेशन करना है, काम करना है, कल करते हैं, परसों करते हैं, ये आपकी जो काम, धंधा, करियर खत्म कर डालता है, ओके? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 5, ये जो काम खत्म हो जाता है, यू नो, आपका प्रोफेशन खत्म हो जाता है, कैपेसिटी खत्म हो जाता है, मौका आप खो डालते हो, करते करते आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, खत्म हो जाता है। जब आप कॉन्फिडेंस ही नहीं रहते हो, आप क्या काम कर पाओगे, राइट? सो ये करते करते आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, दैट्स दी 1। ओके, जब कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, ये सब कुछ प्रोफेशन आप मार रहे हो, क्योंकि कल करना है, परसों करना है, करते करते लास्ट में आप ऐसा जगह पे जिंदगी आपको ढकल देती है, आपके पास कोई चॉइसेस नहीं होती है, राइट? हमेशा बोलते हैं कि भिखारी लोगों को, बिगेस्ट डोंट हैव चॉइस, राइट? जब हम लोग कुछ करने लायक नहीं होते ना, हमें कोई चॉइस नहीं होता, जो मिलता है उसको खाना पड़ता है, जो मिलता है उसके ऊपर करना पड़ता है, राइट? चॉइसेस आपके हिसाब से नहीं होगा, आप जो जो होटल में चाहिए खाना नहीं खा सकते हो, आपको जो लाइफ में चाहिए वो नहीं ले सकते हो, करते 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 आप पुअर चॉइसेस, जो आपके पास चॉइस ही नहीं होता, जो है उसी में काम करना पड़ेगा, जो कंपनी मिला उसमें काम करना पड़ेगा, जो पगार मिला उसी से घर चलाना पड़ेगा, राइट? आपकी फ्रेंड्स जो मिला उसके ऊपर आप, उसके साथ ही आपको फ्रेंड्स करना पड़ेगा, आपको चॉइस खत्म हो जाता है, यू विल गेट इनटू पुअर चॉइस, राइट? ये सब तो हो गया, आपकी रेपुटेशन कहां से बचा होगा, राइट? पॉइंट नंबर 7, आपका रेपुटेशन कहां से बचा होगा, खत्म, जब आपका मार्केट में आपका वैल्यू नहीं है, नाम नहीं है, आपका ब्रांड, आपका नाम का सुन के किसी को असर नहीं पड़ता है, इम्पैक्ट नहीं है, खत्म हो जाता है, तो आपका रेपुटेशन खत्म हो गया, राइट? जब रेपुटेशन खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, चॉइसेस आपके पास कुछ है ही नहीं है, आपका जो प्रोफेशन खत्म हो गया, सब गया गया गया, आपकी जिंदगी कैसे होगा? आपकी जिंदगी, हेल्थ, आपकी जो खुशियां हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, राइट? सो प्रोक्रेस्टिनेशन
वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, नेवर फॉरगेट दिस वर्ड. कल करते हैं, परसों करते हैं, आलसी. मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, मेरे सीनियर्स को देखा, जो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से उनकी जिंदगी जीरो पे आ गया है. राइट. सो जो करना है अभी करना है, तुरंत करना है और बराबर करना है, एक्शन. ओके. सो प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर रिसर्च करेगा. टेक एक्शन. एंड ये जो चार, ये जो चीज़ें हैं, आठ चीज़ें हैं जो अपना जिंदगी को दबा कर डालती है, ये चीज़ से बचिएगा और ध्यान रखिएगा. थैंक यू.